अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मेरिगो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने बेसिक बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट की हुई है, तो आज की इस वीडियो में हम जो करेंगे वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में जो दो लास्ट टू पार्ट थे उसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किए थे एंटी बैक्टीरियल के। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शायद बैक्टीरिया रेजिस्टेंट पर दो वीडियो बन जाए, लेकिन मैंने मेन मेन टॉपिक मोटे मोटे पॉइंट उठाकर एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर कर लूँगा, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट के फोर मैकेनिज्म हैं, जो कि फर्स्ट है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स टारगेट, जिस तरह पेंसिलिन, जिस तरह प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, उनमें अल्टरनेशन होते हैं, जीन अल्टरनेशन होते हैं, जिसकी वजह से जो पेंसिलिन है वो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पर बॉन्ड नहीं बना पाती हैं, अटैच नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन में प्रिकर्सर्स होते हैं सेल वॉल के, तो वो फिर डैमेज नहीं होते, जिसकी वजह से सेल वॉल है जो वो इंटैक्ट ही रहती है, मतलब कि वो सही ही रहती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती। तो रिड्यूस परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग, इसमें टेट्रासाइक्लिन भी आ जाता है, उसके बाद सल्फोनामाइड्स वगैरह भी आ जाता है एज एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करें। तो एक्टिव एक्सपोर्ट ऑफ द ड्रग, इसमें जो क्लासिक एग्जाम्पल आ जाती है वो टेट्रासाइक्लिन आ जाती है, ठीक है ना। अब जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस में आ जाओ, तो उसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन आ जाते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मिड्स काज रेजिस्टेंस बाय एनकोडिंग एंजाइम, प्लाज्मा, हम सबको पता है कि प्लाज्मिड में रेजिस्टेंस काज जीन्स होते हैं, जो फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टमेजेस जो हैं एंजाइम, उनके जो जीन्स होते हैं वो प्लाज्मिड में होते हैं, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड आर प्लाज्मिड्स एंड आर फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं विद इन द बैक्टीरिया फ्रॉम वन साइट टू अनदर साइट। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया और ये उसका जो भी डीएनए वगैरह, ठीक है ना, ये प्लाज्मिड है, ठीक है ना, और ये सारी जो स्पेस है ये जो है स्पेस है ये क्रोमोसोम, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्टेंस है क्योंकि स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए डायरेक्ट माइग्रेट विद इन द बैक्टीरियल सेल टू वन साइट टू अनदर साइट, ठीक है ना। ये प्लाज्मिड तो क्रोमोसोम भी हो सकता है, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी हो सकता है, और प्लाज्मिड टू प्लाज्मिड भी हो सकता है, ये हमने अपनी वीडियो में किया था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो मैंने करवाए हैं और यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ और नहीं आपको करने की जरूरत है। रेजिस्टेंस टू पेंसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन, ये इसलिए कंबाइन किया क्योंकि हम सबको पता है सेफलोस्पोरिन और पेंसिलिन बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं, ठीक है ना। बीटा लैक्टम ड्रग की से मुराद ये कि इनमें बीटा लैक्टम रिंग होती है, तो रेजिस्टेंस जो होती है बैक्टीरिया जो इनके खिलाफ बनाते हैं वो बीटा लैक्टमेजेस एंजाइम बनाते हैं जो कि बीटा लैक्टम रिंग है उसको क्लीव कर देते हैं। जारी बात है बीटा लैक्टम रिंग का एक मेजर रोल है मेडिसिन के इफेक्ट में, तो जब बीटा लैक्टम रिंग ही डैमेज होगी तो जारी बात है फैसिलिन और सेफलोस्पोरिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बैक्टीरिया उनके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेगा तो उससे जो इन्फेक्शन है वो कम नहीं होगा। डिग्रेडेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू पेंसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन इज इमेजिड बाय थ्री मेन मैकेनिज्म, वो तीन मैकेनिज्म कौन से हैं, डिग्रेडेशन ऑफ बीटा लैक्टमेजेस बाय बीटा लैक्टमेजेस दैट इफेक्ट ऑन बीटा लैक्टम रिंग्स, ठीक है ना। म्यूटेशन इन जीन फॉर प्रोटीन बाइंडिंग पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जैसा कि हम पेंसिलिन पढ़ चुके हैं जो कि पेंसिलिन है वो बाइंड करती हैं सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती हैं पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो क्या होता है कि जब वो बॉन्ड बना लेती हैं या बाइंड कर लेती हैं तो जो प्रिकर्सर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल सिंथेसिस के वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाती, ठीक है ना। बेसिकली ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, लेकिन ये एक एक्ट कर रहा है प्रोटीन पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन में, सारी बात है जब प्रिकर्सर ही अवेलेबल नहीं होगी सेल वॉल सिंथेसिस के लिए तो सेल वॉल कैसे बनेगी, ठीक है ना। रिड्यूस परमेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बीटा लैक्टमेजेस एंजाइम जो कि बीटा लैक्टम रिंग को क्लीव करती हैं, डैमेज कर देते हैं। आगे आ जाओ वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस इज कॉज बाय चेन इन डीएलएनएल पार्ट ऑफ द पेप्टाइड, हमें पता है कि जो पेंटापेप्टाइड है, पेंटापेप्टाइड पांच, ठीक है ना, एक दो तीन चार पांच, जो नीचे वाले दो होते हैं उसमें डीएलएनएल और डीएलएनिन पार्ट होते हैं, ठीक है ना। होता क्या कि वैंकोमाइसिन जो है वो इन पे अटैक करता है, इसलिए ये इन वैंकोमाइसिन पर बीटा लैक्टमेजेस इफेक्ट नहीं करते क्योंकि इनमें बीटा लैक्टम रिंग नहीं होती और इनका साइट ऑफ एक्शन बीटा डीएलएनिन और डीएलएनाइल डीएलएनिन होता है। होता क्या है कि जीन्स जो है वो चेंज करते हैं पेप्टाइड इन पेप्टिडोग्लाइकन टू डीएलएनिन टू डीलैक्टेड रिजल्टिंग इन इनहिबिटिंग ऑफ वैंकोमाइसिन टू बाइंड। तो वैंकोमाइसिन ने तो इस बॉन्ड पे अटैक करना है,
ना कि इस बॉन्ड पर। तो म्यूटेशन कैन काज चेंज इन डी एल एन एल डी एल एन इन टू डी एल एन इन डी लैक्टेट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स रेजिस्टेंट इन मीडिएटेड बाय थ्री मेन मैकेनिज्म। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में भी थ्री मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जो फर्स्ट है वो मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग बाय फॉस्फोराइलेटिंग, ठीक है, एडीनाइलेटिंग एंड एसिटाइलेटिंग एंजाइम, ठीक है। म्यूटेशन ऑफ जीन एनकोडिंग वन ऑफ द 30 एस राइबोसोमल प्रोटीन। हम सबको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं और टेट्रासाइक्लिन हैं, ये 30 S पर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो रिड्यूस परमेबिलिटी, इसकी भी रिड्यूस परमेबिलिटी हो सकती है। टेट्रासाइक्लिन आ जाओ, तो टेट्रासाइक्लिन डिजीज इज कॉल्ड बाय इधर रिड्यूस परमेबिलिटी, जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ स्टार्ट में, वीडियो स्टार्ट में, एक्टिव एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम बैक्टीरियम। ये मेन पॉइंट है, ठीक है ना। ये होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोटॉन्स को इम्पोर्ट करता है, और एज अ रिजल्ट जो टेट्रासाइक्लिन है उसको एक्सपोर्ट करता है फ्रॉम द बैक्टीरियम सर, ठीक है ना। रिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस इज कॉज बाय प्लाज्मिड एनकोडेड एंजाइम डेट मिथाइलेज 23rd राइबोसोमल आरएनए। अब रिथ्रोमाइसिन ये अटैक करती है 50 S राइबोसोमल पर, तो रेजिस्टेंस इज कॉज बाय प्लाज्मिड एनकोडेड एंजाइम डेट मिथाइलेज 23rd S राइबोसोमल आरएनए। तो ये 23rd S राइबोसोमल आरएनए 50 S राइबोसोम स्वेडबर्ग यूनिट का होगा, ना कि 30 S का, देयर बाय ब्लॉकिंग बाइंडिंग ऑफ द ड्रग, ठीक है। सल्फोनामाइड्स में आ रहे हो, रेजिस्टेंस इज प्राइमरीली कास्ट ड्यू टू दी प्लाज्मिड एनकोडेड एंजाइम डेट एक्टिवली एक्सपोर्ट द ड्रग फ्रॉम द बैक्टीरियम। एमडीआर, जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पंप पंप भी कहते हैं, ठीक है ना। क्विनोलोन्स में आ जाओ, क्विनोलोन्स रेजिस्टेंस इज कास्ट बाय म्यूटेशन इन जीन्स एनकोडिंग द बैक्टीरियल डीएनए गायरस। क्विनोलोन में सिप्रोफ्लोक्सासिन भी आ जाती है, ऑक्सोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन भी आ जाती है। इसका निमोनिक मैं आपको बताता चलूँ, इन क्विनोलोन याद करने का, तो उसका निमोनिक है OMG LIVO, ठीक है। O से ऑफोफ्लॉक्सिन, M से मोक्सीफ्लोक्सिन, और लिवो से लिवोफ्लॉक्सासिन, और जिसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या था, ठीक है। रिफेम्पिन रेजिस्टेंस इज कॉज बाय म्यूटेशन इन जीन एनकोडिंग द बैक्टीरियल आरएनए। रिफेम्पिन जो है वो रेजिस्टेंस कॉज करता है क्या, बाय काजिंग म्यूटेशन इन जीन एनकोडिंग द बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आइसोनियाज़िड रेजिस्टेंस इज ड्यू टू लॉस ऑफ बैक्टीरियल प्री परऑक्साइडेज, जो कि कैटालेज एंजाइम है दैट एक्टिवेट, जो कि एक्टिवेट करता है आइसोनियाज़िड। बेसिकली जो मेटाबोलाइट है, हम ये कह सकते हैं कि हमने जब मैंने जब फार्मा स्टार्ट की थी, तो फार्मा मैंने एक टर्म बढ़ाई थी कि जो प्रो ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जिसका यहाँ पे जिक्र आ गया आइसोनियाज़िड का, जो कि एक्टिव होती हैं मेटाबोलाइट बनने के बाद, ठीक है ना। तो मेटाबोलाइट तो तभी होने होगा जब उसकी ड्रग की मेटाबोलिज्म होगी, तो आइसोनियाज़िड इज द प्रो ड्रग, ठीक है ना। तो डेट एक्टिवेट दी आइसोनियाज़िड टू मेटाबोलाइट डेट इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। तो क्या कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस पास हो जाती है बैक्टीरियल पर ऑक्सीडेज कैटलाइज, जो कि एंजाइम है जो एक्टिवेट करता है आइसोनियाज़िड को, और जो कि उसके मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है, जो बाद में इनहिबिट करता है माइकोलिक एसिड और सिंथेसिस को। तो होगा क्या, जब कैटलाइज ही नहीं होगा तो आइसोनियाज़िड है वो एक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और दो तीन मोटी मोटी टर्म्स हैं, ठीक है ना। नॉन जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस भी है, वो मैंने इसलिए नहीं करवाया कि मुझे लगा कि यार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, नॉन जेनेटिक रिस्पॉन्सेस या रीजंस वो हो सकती हैं कि हम एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरियल साइड है, जहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन है वहाँ पे रीच नहीं कर पाती हैं, वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। इसकी क्लासिक एग्जांपल यही है कि जो एब्सेस बनता है, ठीक है ना, तो एब्सेस सच एज पेंसिलिन विल नॉट इफेक्ट बैक्टीरिया। जो पेंसिलिन है वो एब्सेस पर, एब्सेस जो बनता है, जैसे एब्सेस कौन से ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एस्पैरजिन वगैरह बना देते हैं, तो होता यह है कि एब्सेस साइट पर जो ड्रग है वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्टिंग है, इनमें दो टेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। उनमें जो फर्स्ट है वो है MIC, इससे मुराद मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। अब ये है क्या, इसकी एग्जांपल डेफिनेशन ये है कि द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया।
आइसोलेटेड फ्रॉम दी पेशेंट। कह रहे मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, ड्रग की कोई भी मिनिमल कंसंट्रेशन जो कि इनहिबिट करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो मिनिमल बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन, अब ये क्या है, ये भी उससे मिलती जुलती एग्जाम्पल है, बस हमने इनहिबिटरी की जगह बैक्टीरियोसाइडल निकाल देना है। जो मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है वो तो बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया कास करेंगे ना, ठीक है ना, या बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिकेशन है, ठीक है ना। इज द लोवेस्ट एमबीसी इज द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डेट किल्स द बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम द पेशेंट इन सर्टेन डिजीज, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो, तो वीडियो तो तकरीबन कोई 11-12 मिनट की है, तो ये थी रेजिस्टेंस के बारे में वीडियो। और इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक वीडियो रह गई है बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के ऊपर, और फिर हमारा बेसिक बैक्टीरियोलॉजी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, और उसके बाद हम आएंगे क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी के ऊपर। और रफ्ता रफ्ता जो गाना है रफ्ता रफ्ता सनम, तो रफ्ता रफ्ता हम उसी तरह गाने की तरह हम भी क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी करेंगे, फिर वायरोलॉजी करेंगे, उसके बाद हेलमिंथ्स प्रोटोजोन्स फंजाई ये सब करते हुए हम अपनी माइक्रोबायोलॉजी इंशाल्लाह फिनिश कर लेंगे विद इन द 1 ईयर, ठीक है ना। कोशिश तो ये है कि विद इन द 1 ईयर, अब अल्लाह ने जो चाहा, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टरलाइजेशन फैक्टर्स को पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ मैं मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा, और मेरा नहीं ख्याल कि वो भी वीडियो कोई 5-7 मिनट से ज़्यादा लंबी होगी, कम ही होगी, 5 मिनट हद से 5 मिनट, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक बेसिक मोटे मोटे फैक्टर्स बताने हैं जो कि जब आप सर्जरीज करते हो या सर्जरीज के बाद जो भी इन्फेक्शन वगैरह जब आप कैन्यूलेशन करते हो उसमें कौन कौन से क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, या किस चीज़ें हम स्टरलाइजेशन करते हैं, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को किस तरह स्टरलाइज करते हैं, और क्या हीट सेंसिटिव और नॉन हीट सेंसिटिव को कैसे स्टरलाइज करते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मोटा मोटा करके मोटे मोटे पॉइंट बनाकर हम कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, हमेशा अपनी दुआ में याद रखें, और जो मैंने निमोनिंग बताया OMG लीवो वो मुझे खुद भूल चुका है, तो इंशाल्लाह जब हम फार्मा करेंगे तो इसको ज़रूर करेंगे, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि जी से क्या बना था, तो हम इंशाल्लाह इसको वीडियो में जो फार्मा की वीडियोस में ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, अल्लाह हाफिज़।